ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग का काम करते हैं। यहाँ पर आपने फोन रखा और ये देखिए आपकी चार्जिंग शुरू हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये स्कैन करना होता है और इस ऐप से और आपकी साइकिल खुल जाती है। हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को, वेलकम टू माय चैनल, नमस्ते फ्रॉम चाइना। और दोस्तों आज हम घूमने आए हैं, एक रिवर है यहाँ पर, वुहान की जो रिवर है, वुहान की जो रिवर है ये यांगजे रिवर, इसको कहते हैं यांगजे रिवर। ये जो है चाइना की सबसे बड़ी रिवर है, चाइना की और शायद एशिया में भी ये शायद लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये जो वुहान का यांगजे रिवर है इसमें सारा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता है एक शहर से दूसरे शहर, क्योंकि ये जो चाइना वुहान जो है ये सेंट्रल चाइना है, तो सेंट्रल चाइना से यहाँ से हर जगह, यहाँ के हांगकांग और शेंजन ग्वांगझो वगैरह जो प्रोविंस है, हर जगह के लिए यहीं के थ्रू, इसी रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर पोर्ट भी हैं, यहाँ पर इनके बंदरगाह टाइप बना रखे हैं इस रिवर के साइड में, वहाँ पर से सारा सामान चढ़ता है उतरता है। आगे है वो, थोड़ा लोग बैठे हैं, क्या मज़े ले रहे हैं हवा के, मज़े ले रहे हैं रिवर के व्यू के। दोस्तों आज इस व्यू के साथ हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक है कि आज लाइफ कितनी कन्वीनियंट है यहाँ पर चाइना में, इन चाइनीज़ लोगों की लाइफ, और उसके साथ साथ वो सारी सुविधाएं हमको भी मिलती हैं, हम फॉरनर्स को किस तरह से कन्वीनियंस है यहाँ पर सारी लाइफ। तो जो कन्वीनियंस हर चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाती है, चाइना में बहुत ईजी हो रखी है लोगों की लाइफ, किसी भी चीज़ के लिए आपको भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं, आप बस पैसे कमाओ भागा दौड़ी करके, बाकी आपको सब कुछ कन्वीनियंट मिलेगा। जैसा कि इंडिया में है, आपके पास पैसा भी है तब भी आपकी लाइफ मुझे नहीं लगता इतनी कन्वीनियंट है, आपको फिर भी कई चीज़ों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है अगर आपके पास पैसा भी है पूरा देने को, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। तो उस कन्वीनियंस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वुहान की मैं बात करता हूँ, इस वुहान का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेहतरीन, और वो ही शायद पूरे चाइना का और बड़ी शहर में तो इससे भी बेहतर होगा, बीजिंग शंघाई वगैरह में, और जो वुहान का ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने देखा है वो बेहतरीन है। यहाँ पर सबवे, बसेस, रोड टैक्सीज वगैरह सब एक दूसरे से बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट है, आपको जो है हर चीज़ बड़ी ही ईजिली मिल जाएगी। हर सबवे स्टेशन के बाहर पे यहाँ पर एक बस स्टेशन होता है, तो आप सबवे से उतर के बस ले सकते हैं या फिर बस से उतर के सबवे ले सकते हैं, आपको कहीं नहीं चलना पड़ेगा ज़्यादा दूर, हर स्टेशन के बाहर वही सबवे स्टेशन का नाम होगा और वही बस स्टेशन का नाम भी होगा। और दूसरा, बस स्टेशन और सबवे स्टेशन के बाहर ही आपको साइकिल्स मिलती हैं, यहाँ पर ऐप रेंटेड साइकिल मिलती है यहाँ पर, तो वो जो ऐप रेंटेड साइकिल है उसका आपने QR कोड होता है, उसका भी एक ऐप है फ़ोन पे, तो फ़ोन ज़रूरी है यहाँ पर, बस एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसे के साथ, दूसरा जो है फ़ोन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, बस आपकी पूरी लाइफ उस स्मार्टफोन पे चल सकती है यहाँ चाइना में। तो जो वो ऐप बेस्ड साइकिल्स हैं यहाँ पर, उसका भी एक ऐप होता है और वो QR कोड स्कैन करना है और आपको वो साइकिल लो, और उस साइकिल से आप कहीं भी, अगर आपका घर सबवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है या बस स्टेशन से दूरी पे है, तो आप वो आपकी सोसाइटी के बाहर भी खड़ी होती है, वो हर जगह पे खड़ी होती है, हर 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपको साइकिल मिलती है, एक जगह से उठानी है दूसरी जगह पे रख दो, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे रख दो, उसका ऐसा भी नहीं कोई पर्टिकुलर जगह, बस आपको साइड पे खड़ी करनी है, आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे खड़ी कर दो, तो बहुत ही कन्वीनियंट है वो ऐप पे साइकिल्स यहाँ पे जो है, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है क्योंकि मेरा घर जो है बिल्कुल सबवे स्टेशन पे नहीं है, तो मुझे 10 मिनट जाना पड़ता है सबवे स्टेशन तक, 10 मिनट मतलब 10-15 मिनट अगर मैं बाय वॉक जाऊँ तो उस साइकिल से जो है मुझे 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो उसको आपने QR कोड स्कैन करना है और वो साइकिल जो है आपको 15 yuan मतलब 150 रुपये में आपको महीने भर के लिए अनलिमिटेड मिल जाती है, आप 15 yuan में साइकिल को ले सकते हैं महीने भर तक अनलिमिटेड, कितनी बार भी, कभी भी, कहीं भी, तो उससे जो है बहुत कन्वीनियंसी है यहाँ पर। वो मैंने फ़िलहाल अभी इंडिया में बहुत कम जगह पर सुना है, मैंने तो देखा नहीं है, क्या मैंने सुना है कि दिल्ली, बेंगलुरु कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है,
वो चाइना में बहुत हर जगह पे है, हर गांव तक होगा, मुझे लगता है हर गांव में भी पहुंच चुकी होंगी वो रेंटेड साइकिल्स। तो ये जो एक मुझे यहाँ का कन्वीनियंस है, और दूसरा टैक्सीज, यहाँ पर टैक्सी का भी, यहाँ पर जैसे हर जगह उबर चलता है, यहाँ पर उबर तो नहीं है पर एक ऐप है इनका दीदी, उसी की तरह है, वो भी उबर की तरह है, उस पर आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और आपकी टैक्सीज उसमें, आप प्राइवेट टैक्सी और जो ये जो पब्लिक टैक्सी चलती है, बाकी प्राइवेट कार्स आपकी हर छोटी सी कार से लेके मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कुछ भी आप उसमें बुक कर सकते हैं और वो आपको हर जगह पे मिल जाएगी, हर जगह पे आपकी सोसाइटी के नीचे आप कहीं पे भी हो वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने देखा है, कहीं भी परेशानी नहीं होती, आपको चलने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और जो लेन्स यहाँ पर रोडें हैं काफ़ी, तीन तीन चार चार लेन्स की बनी है, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड, यहाँ पर मुझे लगता है इस वुहान के अंदर ही कम से कम तीन चार रिंग रोड है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पहले से ही फ्यूचर की कितनी तैयारी कर रखी, चार रिंग रोड होना मतलब कि ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये लोग काफ़ी आगे सोच चुके हैं, काफ़ी आगे, इन्होंने आज की तैयारी नहीं करी है, मुझे लगता है इन्होंने फ्यूचर की तैयारियाँ कर ली हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, ये इन्होंने इतने सारे ड्रोन लगाए हैं यहाँ पर, और ये जो है इसे थोड़ी देर में उड़ाएंगे और ऊपर आसमान पे कुछ दृश्य बनाएंगे इससे। तो शायद ये इन्होंने रात के लिए रखे हैं, ये रात को उड़ाएंगे यहाँ पे और कुछ कलाकारी दिखाएंगे। तो दोस्तों जो बात कर रहे थे हम कन्वीनियंस की, उसमें दूसरा जो टॉप पॉइंट है वो है वीचैट। यहाँ पर एक ऐप है वीचैट करके जो इंडिया में भी था पहले, तो अभी जो है वो फिलहाल शायद बैन हो गया इंडिया में जब से सारे चाइनीज पे ऐप बैन हुए थे। तो वीचैट जो है एक तरह से यहाँ पर लाइफलाइन है चाइनीज़ की, कह सकते हैं चाइनीज़ की हमारी भी अभी लाइफलाइन बन गई है जब से हम यहाँ रह रहे हैं चाइना में। उसके बिना यहाँ पर लाइफ बेकार है, नीरस सी है। वो बहुत ज़रूरी ऐप है यहाँ पर अगर आपको चाइना में रहना है। एक वीचैट है और एक दूसरा और है अलीपे, अलीपे अलीबाबा ग्रुप का, वो दोनों ऐप यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अगर आपको चाइना में रहना है। मतलब अगर कोई भी आप चाइना आते हैं वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, मस्ट है, उनसे आपकी लाइफ बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ, हर चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि चाइना में जो है अभी, चाइना में वो एक तरह से बैंकिंग सिस्टम है, वो पूरा बैंक है वो अपने आप में उसके अंदर। मतलब आपका सारा लेन देन आप वीचैट के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर, बड़ा सा बड़ा लेन देन होता है यहाँ पर वीचैट, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा लेन देन आप वीचैट के थ्रू, एक रुपये से लेके आप यहाँ पर लाखों तक वीचैट पे लेन देन कर सकते हैं। जब से यहाँ पर वीचैट ऐप आया होगा मुझे लगता है बैंक जाने वालों की बहुत कम, मैं तो गया नहीं हूँ तब से बैंक, कोई वैसा काम होता होगा अलग काम तभी जाना पड़ता है, बाकी बैंक और ATM, आपको ATM जाने का भी, ये शायद स्मारक टाइप बन गया है यहाँ पर ATM तो शायद क्या ही जाते होंगे लोग, इमरजेंसी पे कैश की ज़रूरत होती होगी कहीं, वैसे तो कहीं ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कैश की, क्योंकि जब से वो वीचैट आया है हर चीज़ यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है ई वीचैट के थ्रू। तो आपको यहाँ पर मुझे लगता है 90, मेरे हिसाब से देखने से 80% तक यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी कैश में बहुत कम है। मैं खुद यहाँ पर अब कैश नहीं रखता हूँ, 100 रुपये रखता हूँ अपने पास, 100 RMB, कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कनेक्शन वनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई तब। तो जो ये वीचैट है ये बहुत ही कन्वीनियंट है चाइना के अंदर। तो इस पे जो है आपका बैंकिंग के साथ दूसरा इनका जो इस पे चैट सर, इसी पे ये चैट करते हैं सारी की सारी, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे करते हैं ये लोग, वीचैट पे ही चैट करते हैं एक दूसरे से। तो वीचैट ही इनका एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग आपस में बात करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब उसमें जुड़े होते हैं। तो और उसमें ही अंदर जैसे फेसबुक में हमारी टाइमलाइन वगैरह होती है, इसमें इनकी टाइमलाइन होती है, अपनी फ़ोटो वीडियोस वगैरह अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वहीं शेयर करते हैं, और उसी में आपको लाइक डिसलाइक मिलते हैं, वो जैसा फेसबुक, जो मतलब आप कह सकते हो एक तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक का कंबाइंड है यहाँ पर। उसके अंदर आप अपनी टाइमलाइन भी बनाओ, उसी के अंदर आप चैट भी करो अपने सारे के सारे फ्रेंड्स वगैरह से, और बाकी अपना फाइनेंशियल जो है वो भी आप उसी के अंदर कर सकते हैं। एक अलीपे ऐप है दूसरा, इस पर आप वगैरह फंड वगैरह शेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। उनमें थर्ड पार्टी ऐप्स कनेक्टेड होते हैं, उसके अंदर आपको फ़्लाइट बुक करनी है आप इससे फ़्लाइट बुक कर सकते हो। ये बोट निकल गई यहाँ पर, शायद हल्ला मचा दिया इसने, बोट का सायरन आ गया, जाने का टाइम हो गया शायद। तो उस पर जो है आप उससे फ़्लाइट बुक कर सकते हो, आप उससे ट्रेन बुक कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी ऐप है अगर आप चाइना के अंदर हो,
ये आपको दो आपके फ़ोन में होने ही होने चाहिए, इनसे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पूरा साइड में लाइट्स चल रही है, ये तो ऐसा ही इनका जगमगाया रहता है ये लाइट से पूरा वुहान। तो आगे जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट कन्वीनियंस मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट कन्वीनियंस जो है ये इंडिया में भी है, हमारे आप तो सब जगह हो गया है ये, कि आपको घर पे बैठे हर चीज़ मिल जाएगी। वही फिर फ़ोन में ऐप चाहिए आपको, यहाँ पर आपका हर चीज़ छोटी सी छोटी, मतलब आप कह दो कि 50 पैसे की चीज़ भी आपको घर पे प्रोवाइड कराएगा ऑनलाइन वाला, और फ्री डिलीवरी होती है यहाँ पर। मोस्टली जो है कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होता है, अगर आप 50 पैसे 1 रुपये की चीज़ भी ले रहे हैं वो भी आपको फ्री डिलीवरी होगी, और वो भी आपके घर तक आएगी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल आपको इतने चीज़ इतना रुपए का ही होगा तभी आएगा, इतना होगा, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ा से बड़ा जो भी हो सकता है सब आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएगा हर चीज़। तो इस तरह से नहीं है कि छोटा बड़ा का हिसाब। और दूसरा जो है खाना, जैसे हमारे इंडिया में अभी स्विगी जोमैटो वगैरह, ऐसे ही खाने का यहाँ बहुत सारे ऐप हैं, आपके हर दुकान मिलती है यहाँ पर, हर दुकान से खाना आपकी डिस्टेंस बता देगा कितनी दूरी पे है, कितने टाइम पे आ जाएगा, और वो इंडिया की तरह यहाँ पर भी आपको घर पे मिल जाता है 30। और जो है बाकी फ़ोन से आपका ये है, आपका यहाँ पर जो मुझे इंडिया में नहीं दिखा जो है वो है, यहाँ पर आपकी हर दुकानें जो होती हैं आपके घर के नीचे, जो छोटे छोटे खोखे टाइप जो होते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं वो भी यहाँ ऑनलाइन कनेक्टेड होती हैं, वो भी आपके ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाती है। वो आपके ऐप में आएगी कि नीचे वाली दुकान खुली है बंद है, उसमें क्या क्या मिलता है, वो आपके घर में पहुंचा देगा। अगर आपको लाइक एक पानी की बोतल चाहिए वो आपके घर में आ जाएगी, और उसमें भी कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में पहुँचा दी जाती है। आपके नीचे ही होगी, आपकी बिल्डिंग के नीचे होगी वो दुकान, तो उसमें दिखाता है डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस तक है। तो ये एक अलग चीज़ मुझे लगती है कि सारी दुकान, मतलब आपको कुछ भी चाहिए, और ये है कि और जो ये फैसिलिटी है ये 24 आवर्स की है, घरों के नीचे होती है वो दुकानें, यहाँ पर 24 आवर्स शॉप वाली कन्वीनियंस स्टोर जिन्हें बोलते हैं, उनका नाम ही कन्वीनियंस स्टोर है, तो वो आपको घर पर डिलीवरी करते हैं 24 आवर्स। तो वो बहुत ही बेहतरीन है, आपको कुछ भी दवा दारू कुछ भी दारू भी जो आपको यहाँ पर 24 आवर्स आपके घर पर पहुँच जाएगी, और जो कुछ आपको चाहिए खाना वाना जो है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, आपको नहीं है घर से बाहर निकलने का मन, और ये ऐसा हर टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि अभी बारिश हो रही है तो बारिश होगी तो थोड़ा लेट होगा, पर वो आएगा, वो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आज सर्विस ही बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये सुविधाएँ हैं, ये आपका अभी ये थोड़ा इंडिया में भी होने लगी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर है ये। बाकी जो यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया ये फ़ोन की बैटरी, जो फ़ोन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि सारा काम यहाँ पर फ़ोन से होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हर जगह पे हर 2 मिनट 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपके लिए बैटरी के टावर लगे होंगे, उनसे आप बैटरी निकालिए, बैटरी मशीन जो होती हैं उनसे आप बैटरी निकालिए और निकाल के ले जाइए और दूसरी जगह पर उसको वापस डाल दीजिए कहीं पर भी, वो भी वही साइकिल की तरह है, निकालिए आप यूज करिए, उसका जो आता है हिसाब आधे घंटे का शायद एक युआन है, आधे घंटे का 10 रुपये के हिसाब से है, तो आप कितनी देर के लिए रखोगे उस हिसाब से चार्ज बढ़ता है, तो आप कितनी देर यहाँ से ले जाइए कहीं भी एनी वेयर, कहीं भी आपको मशीन मिलेगी आप दोबारा उसमें वापस डाल दीजिए, ऐसा नहीं कि वहीं पे आपको रिटर्न आना पड़ेगा वापस करने के लिए। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि फ़ोन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसकी बैटरी चलती रहनी चाहिए तभी आपकी यहाँ पर लाइफ चलती रहेगी। बात कर रहा था आपसे साइकिल की, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये यहाँ पे ये मरीन ड्राइव है, बहुत लोग आते हैं, कितनी साइकिलें हैं यहाँ पर, कितनी साइकिलें,
इस सारी की सारी जो है ऐप पे साइकिलें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ये जो QR कोड ऐप होता है, ये आप देख सकते हैं, ये स्कैन करना होता है और इस ऐप से और आपकी साइकिल खुल जाएगी। मैं किसी और दिन दिखाऊंगा आपको कैसे करना है वो। तो ये आप देखो कितनी सारी साइकिलें हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात कर रहा था। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ की कन्वीनियंस से ही जुड़ी हुई चीज़ है। ये इस तरह के टावर्स लगे हैं यहाँ पर हर 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे, और ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग का काम करते हैं। यहाँ पर आपने फ़ोन रखा और ये देखिए आपकी चार्जिंग शुरू हो गई, तो आप यहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हैं। और जगह लगे टावर, वहाँ पर बैठने की जगह भी है। तो ये यहाँ पर वुहान में हर जगह मिल जाता है 15-20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम के डिस्टेंस पे, तो ये बढ़िया है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप, कन्वीनियंस है इस तरह से पावरलेस, वो क्या है वो वायरलेस चार्जर जो है, देखिए हर जगह पर लगे हैं इस तरह से ये खम्भे। यहाँ पर इन्हीं में लाइट है ऊपर और नीचे ये लगे हैं, सब यहाँ पर जो है चार्ज कर रहे हैं अपने फ़ोन। तो दोस्तों यही था आज का, ये जो आपको दिखाया है ये रिवर व्यू, यहाँ पर जो ये यांगजे का वुहान में रिवर व्यू है, काफ़ी लोग आते हैं इसमें हर शनिवार रविवार को घूमने। और जो वुहान में लोगों की लाइफ चाइना में जिस तरह से कन्वीनियंस है, जिस तरह का जो कुछ ज़रूरी कन्वीनियंट पॉइंट थे बताया आपको। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और अगर बेकार लगा हो तो ऐसे ही टाइम पास करके चले जाना। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में फिर किसी नई जगह से, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग और टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।